अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6, वो है व्हाट इज द रूटर, हाउ इट वर्क्स, फाइंड इट्स एक्सप्रेशन फॉर स्पीड। तो रूटर इज द हॉलो सिलिंड्रिकल रूम फाउंड इन एम्यूजमेंट पार्क व्हिच कैन बी मेड टू स्पेन अबाउट इट्स एक्सेस। ये क्या है? हॉलो सिलिंड्रिकल रूम है, तो जो अपने एक्सेस के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। अ मैन इंटर द रोटर, क्लोजेज द डोर, क्लोजेज द डोर एंड स्टैंड अप अगेंस्ट द वॉल ऑफ रूटर। तो रूटर ग्रेजुअली इंक्रीजेज इट्स रोटेशनल स्पीड। तो रूटर क्या कर देता है? रोटेशनल स्पीड को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। फ्रॉम रेस्ट अंटिल एट पार्टिकुलर स्पीड द फ्लोर बिलो द पर्सन इज ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड। तो पर्सन डज नॉट फॉल, पर्सन नहीं गिर जाता, बट रिमेन पेंड अप अगेंस्ट द वॉल ऑफ रूटर। तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, तो तीन फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रही हैं। देयर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन मैन। पहली क्या है? पर्सन वेट। दूसरी क्या है? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तीसरी क्या है? नॉर्मल रिएक्शन ऑन द वॉल ऑफ रूटर। तो ये है इसकी डेफिनेशन। तो अब हम इसका एक्सप्रेशन फॉर स्पीड मालूम करते हैं, तो इसको नोट कर रहे हैं। इन ए वर्किंग ऑफ रेडियस देयर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन मैन। तो पहले नंबर पे क्या है? पर्सन वेट। W वो किसके इक्वल हो जाएगा? WmG के। और दूसरे नंबर पे जो है वो है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और तीसरी जो फोर्स है वो क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। तो ये तीन चीज़ें ही यहाँ पे एक्ट हो रही हैं। पहले नंबर पे क्या है? पर्सन वेट, W इज इक्वल टू MG। और दूसरी क्या है? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, FS। और तीसरी क्या है? नॉर्मल रिएक्शन ऑन द वॉल ऑफ रूटर। ये तीन फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रही हैं ऑन द मैन। मैन में कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? तीन हैं। तो एज पर्सन डज नॉट फॉल, एज पर्सन डज नॉट फॉल, सो तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? W के। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? W के। तो ऑल्सो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड
नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या प्रोवाइड कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होती है? एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो यहाँ पे हम एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर के। एल पर्सन डज नॉट फॉल, पर्सन क्या है? नहीं गिर रहा है। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल हो जाएगी? वेट के। तो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है, क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल का फोर्स जो का जो फार्मूला है वो ये है, एम वी स्क्वायर ओवर आर के। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगी? वो है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन म्यू एस डॉट एम। तो म्यू एस क्या है हमारे पास? ये है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन बिटवीन रूटर एंड पर्सन। ये क्या है हमारे पास? म्यू एस कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन बिटवीन रूटर एंड पर्सन। म्यू एस क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन बिटवीन रूटर एंड पर्सन। तो एन क्या है हमारे पास? सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वायर ओवर आर के। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन क्या है हमारे पास? वो है डब्ल्यू के। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ये हमने पहले लिखा है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन किसके इक्वल है? डब्ल्यू के। तो एन क्या है हमारे पास? सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो क्या है हमारे पास? एम वी स्क्वायर ओवर आर के। तो डब्ल्यू क्या है हमारे पास? एम जी म्यू एस एम वी स्क्वायर ओवर आर के। एम एम से कैंसल हो जाएगा, तो जी इज इक्वल टू म्यू एस वी स्क्वायर ओवर आर के। आर मल्टीप्लाई होगा जी के साथ, तो ये हो जाएगा। तो हमने क्या मालूम करना है? एक्सप्रेशन फॉर स्पीड। तो ये हो जाएगा जी आर ओवर म्यू एस टेकन स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट, ये कैंसल हो जाएगा। वी इज इक्वल टू जी आर ओवर इट इज द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड। तो ये वो स्पीड है रूटर की जहां पे पर्सन क्या है? नहीं गिरता। दैट इज स्पीड वेयर पर्सन डज नॉट फॉल। तो आज का हमारा यही लेक्चर था, व्हाट इज रूटर, हाउ इट वर्क्स, फाइंड इट्स एक्सप्रेशन फॉर स्पीड। तो यही वो स्पीड है जहाँ पे आदमी नहीं गिरता है, जी आर ओवर म्यू एस इसका अंडर रूट। तो यही लेक्चर है हमारा आज का।